पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 151,000 से ज्यादा दीप जलाकर शहीदों को नमन किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आगाज मुरादाबाद में हुआ। शहीदों के नाम कार्यक्रम में राजनीतिक लोगों के साथ प्रशासनिक अफसर और धर्म गुरुओं ने भी हिस्सा लिया। एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आगाज मुरादाबाद में भव्य स्वरूप में देखने को मिला, जहां पर शहीदों को नमन करते हुए मुरादाबाद की महान जनता ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी और एक दीपक उनके नाम से प्रज्वलित किया। दिया शहीदों के नाम, ये अद्भुत है। हमने जितनी अच्छी कल्पना की थी कहीं उससे अच्छा माहौल यहाँ उतरा है। समूचे मुरादाबाद ने अपने गौरव के लिए यहाँ उपस्थित होकर एक अनूठा इतिहास रचा है, एक तरह से सामाजिक राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया है। हमने इस आयोजन के पीछे जो हमने मनसा बनाई थी, जो हमने परिकल्पना की थी कि इस दीपावली में तो लोग अपने घरों को रोशन करेंगे, हर घर में दीप जलेंगे, खुशियाँ मनेंगे, उल्लास होगा, लेकिन जो सीमा पर हमारे जवान शहीद हो जाते हैं उनके घरों में निश्चित रूप से कुछ कमी खलेगी। तो क्यों न हम सब मिल करके एक एहसास दिलाएं कि हमारे शहीद जवानों के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ पूरा समाज है, पूरा देश है। मुरादाबाद में जो ये ज्योति जली है, ये सिर्फ एक शहर की ज्योति नहीं है। इस दौरान मुरादाबाद के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों के साथ साथ राजनीतिक लोग, साथ ही धर्मगुरुओं ने भी अपनी शिरकत की। सभी ने इस कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभी का कहना है कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के मानने वाले लोग थे, हर धर्म हर वर्ग के लोग थे। हमारे यहाँ चार इमाम साहब भी थे, हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग थे, सभी प्रशासनिक अधिकारी थे, सिख धर्म के थे, ईसाई धर्म के लोग थे। धर्म की भावना से ऊपर ये राष्ट्र की भावना का प्रतीक है ये आयोजन, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह के आयोजनों से इस तरह का माहौल बनेगा, जो छोटी छोटी कटुताएं आपस में होती है वो दूर होगी। एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बहुत ही अच्छा लगा है। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि सभी ने अपने दिल में छुपे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का इजहार किया है। भारत में जगह जगह शहीदों के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह उनको हम अपनी याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज मुरादाबाद पूरा आज दीपावली का दीपोत्सव के तौर पे आज यहाँ जगमगा रहा है। एक दिया शहीदों के नाम आज इस कार्यक्रम में इसके आयोजकों को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं भाजपा नेता दीपक अग्रवाल ने कहा कि आयोजकों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपनी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों की शहीदों के प्रति आस्था, पुलिस बल के प्रति आस्था, सैनिकों के प्रति आस्था, एक दिया शहीदों के नाम, अगर इन लोगों की आस्था को देखे ऐसा लग रहा है कि अगर मुरादाबाद में कहीं स्वर्ग है और कहीं दीपावली है तो आज ही है, और वो भी रेलवे स्टेडियम पे है। यही है, यही है, यही है स्वर्ग। दीपाली अग्रवाल ने भी कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि भले ही हम अपने दिलों में शहीदों को नमन करते हैं, लेकिन आज मौका मिला है कि अपने दिलों में छुपी श्रद्धांजलि को प्रस्तुत किया जाए। और क्या हमारी दिवाली हो सकती है कि जिनकी वजह से हम सुरक्षित दिवाली अपने घरों में बैठ के मना पा रहे हैं। और मेरा एक ही दिया उनके लिए श्रद्धा से समर्पित है, और मैं उनके परिवारों को और सभी लोगों को नमन करती हूँ और सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया। दीपावली से पहले हुए इस कार्यक्रम ने सभी के दिलों को छू लिया और सभी ने अपने दिलों के उद्गार व्यक्त किए। मैं मनोज तिवारी, जीएसटी डिपार्टमेंट का जोनल सेक्रेटरी। हम
हम लोग पिछले कई साल से दैनिक जागरण द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया रहा है। हम लोग हर प्रोग्राम में दैनिक जागरण में पार्टिसिपेट करते हैं और ये देश के शहीदों के लिए मेरे विचार से बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दैनिक जागरण के लिए। मैं अपने GST डिपार्टमेंट के पूरे सारे साथियों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। KK शर्मा जोनल अध्यक्ष कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट मुरादाबाद जोन। ये प्रोग्राम शहीदों के नाम एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसको पिछले वर्ष से हम लोग लगातार इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। ये धर्म जाति से बढ़ करके हम सब लोगों को संगठित करने में एक माला में हम सब लोगों को पिरोने के लिए सभी धर्म जाति के लोगों को एक संगठित होने का मौका देता है और इससे हम अपने देश के अमर शहीदों को याद करते हैं। कार्यक्रम का नाम है एक दिया शहीदों के नाम और मुरादाबाद की पूरी आवाम, मुरादाबाद की पूरी जनता, तमाम सरकारी विभाग, पुलिस कर्मचारी और जनमानस, तमाम सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर के आज यहाँ 151,000 से भी अधिक दिए जलाए हैं और ये दिए जलने के बाद एक दृश्य ऐसा देखने को मिल रहा है कि वास्तव में मन प्रफुल्लित होता है। और एक खास बात यह है कि ये जो कार्यक्रम है ये शहीदों के नाम नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। इससे कहीं ना कहीं हम उनके प्रति अपनी भावना तो प्रकट करते ही हैं और जो जनमानस है, जो युवा पीढ़ी है, उसमें भी एक संस्कार का सृजन होता है।